जाग जाओ, सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी सन कर देती है इंसान को। दहेज में जियो की सिम मांगने पर दूल्हा गिरफ्तार, जियो की सिम ना देने पर बाप ने ली बेटी की जान, जियो की सिम ना दिलाने पर बीवी ने लिया तलाक, अपनी गर्लफ्रेंड से जियो की सिम वापस ना मिलने पर लड़के ने की खुदकुशी, जियो की सिम के लिए लड़की दुकानदार के साथ भागी। सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा बस वही। नमस्कार, हम एयरटेल चाचा बोल रहे हैं। हाँ जी, क्या हाल है? और उड़ा लो हमारा मजाक, और उड़ा लो हमारा मजाक। हमरा मुंह के नीचे से रोटी छीन के बोल रहे हो कि कैसे हो, बताओ। अरे भाई साहब, एक समय था दुकानदार कहते थे कि 100 का रिचार्ज कर दो, 200 का रिचार्ज कर दो, 300 का रिचार्ज कर दो, 400 का रिचार्ज कर दो। अरे भैया, जब से जियो का एंट्री हुआ है ना, तब से कोई 10 रुपया का रिचार्ज भी नहीं कराता है। आपके एड में जो लोग काम करते हैं ना, उनका फोन आ रहा था। वो कह रहे हैं कि मेरे ऐड में काम करना चाहते हैं, और हाँ, उनके पास भी जियो का ही नंबर है। आखिर हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आखिर चाहते क्या हो? क्यों हमारी नैया डुबोने में लगे हो भाई साहब? अरे जियो भाई साहब, अब तो रुक जाओ। क्या क्या पूरी नैया डुबो के ही अंतिम सांस लोगे क्या? मैं लोगों के दिल से डेटा खत्म होने का डर निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे कस्टमर्स बोलते रहें जियो और जियो। देख लूंगा आपको जियो भाई साहब, मैं जा रहा हूँ TRAI के पास। जाओ जाओ, उनके पास ही मेरा नंबर है। जियो मैं वोडाफोन बोल रहा हूँ, क्या हाल है और रिलायंस भैया कैसे हैं? नमस्ते वोडाफोन जी, मैं तो दंदनादन हूँ, आप बताइए आपका क्या हाल है? बेटा एक बात कहनी है। क्या? बोलो। तब न्यू ईयर आने वाला था, हमें मेरी तारीख समर सप्लाई ऑफर के नाम पे हमें फिर से मिली तारीख, और अब दन दना दन दन करके हमें फिर से तारीख देना चाहते हो। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ तारीख। अरे कहना क्या चाहते हो? तीन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े, लेकिन चलाना अभी भी नहीं बोले। आज भी ऐसे ऑफर निकाल सकता हूँ कि सारे कस्टमर मेरे पास वापस आ जाएंगे। अच्छा, ड्राकर लोग वो जीता है ना जिसके हर पैक्स में कंडीशन अप्लाई हो। अच्छा मान गया, हमारा नेटवर्क इतना अभी बड़ा नहीं है, इतना बिजी नहीं हुआ है, नेटवर्क नहीं लगे हैं। मान गया कि आपका नंबर बेस्ट है। बस हुआ, अगर कस्टमर पाने के लिए मैं डाटा प्राइस बढ़वा सकता हूँ तो डाटा प्राइस कम भी करवा सकता हूँ। हेलो हेलो हेलो, डर क्या लगता है? बाप बाप होता है और बेटा बेटा।